आचार्य संथारा साधिका गुरुनी मैया श्री हेम कुमार जी महाराज साहेब जी की सुशिष्या वरिष्ठ उप प्रवर्तनी महासाधवी डॉक्टर श्री रवि दशमी जी महाराज साहेब ठाणे 5 शनिवार को सुंदर नगर जैन स्थानक में पहुंचे। इस अवसर पर महाराज साहेब ने आए हुए श्रावकों को अपने प्रवचनों से निहाल किया। वरिष्ठ उपवर्तनी श्रमणी श्रोमणी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब आज सुंदर नगर में विराजमान थे और आज का प्रवचन उन्होंने यहाँ पर दिया और कल का श्रीपुर के श्री संघ और यहाँ पर उनके प्रधान जी श्री विनीत कुमार जी जैन वो भी अपनी मैनेजमेंट कंपनी के साथ आए हैं और उनकी प्रार्थना पर कल का जो प्रवचन है वो शिवपुरी में रहेगा और प्रवचन का समय यही 8 से 9 बजे तक रहेगा। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है शिवपुरी आप अवश्य अवश्य आए और प्रवचन का महान जो लाभ है वह प्राप्त करें। श्री शिवपुरी जो श्री संघ है उसमें आप पहली बार जा रहे हैं, गुरुनी जी महाराज से तो हो सकता है उनका हो थोड़ा सा कंसर्न, लेकिन मैं तो शायद उस संघ में पहली बार ही जा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनके संघ के बारे में बहुत ही अच्छा कि बहुत ही श्रद्धाशील बहुत ही भक्ति भावना वाला और बहुत ही एक अच्छा क्षेत्र है ऐसा मैंने सुना है। तो अपने उस क्षेत्र के अनुसार मैं कहूँगी कि वहाँ के संघ को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवचन के लिए सब लोगों को इसका बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवचन का लाभ लें ताकि जैसा हमने सुना है वैसा ही हम पाए। और उसके साथ साथ सुंदर नगर वालों से तो हमारा प्राणा नाता है प्राणा रिश्ता है, 98 का चतुर्मास यहाँ किया है, गुरुनी जी महाराज की अंतिम सेवा और अंतिम संस्कार उनका सारा जो प्रोग्राम है वो यही श्री संघ ने किया है और यहाँ के साथ तो हमारा प्राणा संबंध है। तो इसलिए सुंदर नगर वालों से मेरा कहना है कि आप सब भी कल को प्रवचन में अवश्य अवश्य आएंगे, यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। तो कल का प्रवचन शिवपुरी श्री संघ को मिला है और परसों और उससे अगले दिन 2 दिन का जो प्रवचन है वो सिविल लाइन में रहेगा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट आत्मा चैनल।